हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब आपके ओ लेवल गुरुजी चैनल पर आप लोगों की आईओटी की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं और आज हमारा जो कि आपको पता है चैप्टर नंबर 5 अभी चल रहा है और चैप्टर नंबर 5 की आज हमारी थर्ड क्लास है। ठीक है, काफी बड़ा चैप्टर है क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये वाला जो चैप्टर आपका पूरा थ्योरेटिकल है। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 दोनों ही थ्योरिकल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आप लोगों को थ्योरी के अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो थ्योरी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं और साथ ही साथ आप लोगों को ये वाला चैप्टर मैं हिंदी में लेके आया हूं। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो तो वो हिंदी में भी अपना पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं नोट्स भी आप लोगों को वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, सारे नोट्स आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए। इस वाले के आप लोगों को एक से दो दिन के अंदर आप लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे। जिस नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारे आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों ही आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वेबसाइट हमारी careersknowledge.in है, जो कि आप लोग जानते हो। इस वेबसाइट पर आप लोग विजिट करिए तो फिर आप लोगों को क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, तो इससे आप लोग आसानी से पढ़ सके। ठीक है, जो लोग भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल से हमारे ओ लेवल गुरुजी चैनल पर प्रैक्टिकल की तैयारी भी स्टार्ट कर दी गई है। जो आप लोगों के प्रैक्टिकल होने 31 जुलाई से लेके 11 अगस्त के बीच में, तो उसके लिए हमारे ओ लेवल गुरुजी चैनल पर क्या कर दिया गया, आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। अभी आप लोगों के लिए M3 की क्लासेस स्टार्ट हुई है। ठीक है, जो लोग भी चैनल पर नया, बता देना चाहता हूँ कल हम लोगों ने 6 बजे एक वीडियो भी अपलोड की थी आप लोगों के लिए। 6 बजे आप लोगों को पाइथन के प्रैक्टिकल की वीडियो मिलेगी और 8 बजे आप लोगों को मिलेगी IoT की क्लास। ठीक है, तो अब आप लोगों की डेली 2 क्लासे आप लोगों को मिलने वाली है। IoT की क्लास जब तक आपका IoT कंप्लीट ना हो जाए तब तक IoT, और उसी के साथ साथ आप लोगों को जो आप लोगों का प्रैक्टिकल उसकी वीडियो आप लोगों को डेली 6 बजे अभी मिलने वाली है, जो कि आप लोगों की पाइथन की स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है कल के वाली क्लास देख लीजिए, और आज भी आप लोगों को ऑलरेडी आज एक क्लास मिल चुकी होगी, आप लोगों को 6 बजे एक और मिल गई, मतलब आप लोगों के 2 प्रैक्टिकल मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। प्रैक्टिकल का मटेरियल या फिर MCQ एग्जाम का मटेरियल जो भी आपको करना है जल्दी से परचेस कर लीजिए। अभी हमारे यहाँ पे अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, मैंने कल की क्लास में बताया भी था कि जो ऑफर चल रहा है उससे आप लोग उसका फायदा उठाइए, जिसमें आप लोग आसानी से परचेस करेंगे और बहुत ही ज्यादा अभी इतना कॉस्टली नहीं है। अभी हमारे यहाँ डिस्काउंट चल रहा है तो डिस्काउंट रेट पे बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करिए। परचेस करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7007253350 पर व्हाट्सएप करिए, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल का कंटेंट भी मिल जाएगा। आप MCQ जा रहे हैं जो अगस्त 2023 एग्जाम के लिए, तो वो भी बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। आज का जो हमारा टॉपिक है मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज हम लोग क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी क्रिप्टोग्राफी की एल्गोरिदम होती है वो जानेंगे, और एग्जाम्पल देखेंगे न्यू ट्रेंड जो कि AI और मशीन लर्निंग जो कि चल रहा है उसका एग्जाम्पल देखेंगे। बाकी वेबसाइट पर विजिट करिए तो आपको नोट्स वगैरह वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते अपनी क्लास की तरफ, जानते हैं क्रिप्टोग्राफी के बारे में। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे 1-2 दिन में, तो आप लोग डेली लेकिन वेबसाइट पे विजिट करिए, जिससे आप लोगों को जब भी अपलोड हो जाएंगे तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्रिप्टोग्राफी के बारे में, बॉटनेट मैंने आप लोगों को बताई दिया था लास्ट क्लास में, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी वो लास्ट क्लास भी जरूर देख लीजिए, मैंने उसमें बॉटनेट बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, और आज हमारा क्रिप्टोग्राफी है, तो ये रहा आपका व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है, देखिए, क्रिप्टोग्राफी इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ कोड्स सो दैट ओनली those for whom the information intended to read and process. देखिए, मैं आपको एक सिंपल टर्म में समझाता हूँ, क्रिप्टोग्राफी कुछ नहीं होता है, क्रिप्टोग्राफी इतनी सी चीज होती है कि अपने मैसेज को एक कोडेड फॉर्म में भेजना। ठीक है, जिसमें आप लोग जब कोडेड फॉर्म में भेजते हैं तो जो दूसरा बंदा होगा जिसको वो मैसेज मिलने वाला होगा उसके पास भी क्या होगा, वो कोड होगा जिससे कि वो उसको डिक्रिप्ट करे। सीधी सी बात है, अपने मैसेज को कोडेड फॉर्म में भेजना मतलब इनक्रिप्ट करके भेजना, इनक्रिप्ट करने का मतलब पासवर्ड लगा के भेजना, अगर आपको हम सिंपल टर्म में समझाएं तो पासवर्ड लगा के भेजना, तो दूसरा जो बंदा होगा उसके पास क्या होगा, आपका आपने जो पासवर्ड लगाया होगा उसको पता होगा, तो वो उसको इस इन्फॉर्मेशन को खोल लेगा। जैसे मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों को PDF सेंड की। ठीक है, मैंने PDF में क्या लगाया, पासवर्ड उसमें लगाया हुआ है, मैंने PDF में पासवर्ड लगाया 12345। तो अब जब आप उसको डाउनलोड करोगे और जब आप खोलोगे तो डाउनलोड हो जाएगी लेकिन वो ओपन नहीं होगी। क्यों ओपन नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप उसमें 12345 पासवर्ड नहीं डालेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वही होती है क्रिप्टोग्राफी हमारी, अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके भेजना, और जिसको वो इन्फॉर्मेशन मिलना है उसके पास उसकी मतलब की होगी, मतलब एक पासवर्ड होगा जिससे उसको खोल सके। ठीक है, तो वो हमारी क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। इन कंप्यूटर साइंस क्रिप्टोग्राफी रेफर द सिक्योर इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक डराइव्ड फ्रॉम द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड सेट ऑफ रूल बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, कुछ मैथमेटिकल हमारे कैलकुलेशन लगी होती है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एल्गोरिदम्स होती है जो कि इसमें हमारी काम आती है। टू ट्रांसफॉर्म मैसेज इन वेरियस दैट आर हार्ड टू डिसिफर। देखिए, सिफर टेक्स्ट की आप डिसिफर, ठीक है, इसको बोलते हैं, एक होता है सिफर टेक्स्ट होता है जो कि हमारा कोडेड टेक्स्ट होता है। दिस डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम आर यूज्ड फॉर क्रिप्टोग्राफिक
की जनरेशन, डिजिटल साइनिंग, वेरिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्ट डेटा प्राइवेसी, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है क्या क्या हो सकता है क्रिप्टोग्राफिक में, जैसे डिजिटल सिग्नेचर हो गया, ठीक है, डेटा को प्रोटेक्ट करना, वेब ब्राउजर, इंटरनेट, ये सब रहेगा। जैसे हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर विज्ञान में क्रिप्टोग्राफी सुरक्षित इन्फॉर्मेशन और गणितीय अवधारणाओं से प्राप्त संचार तकनीकी और नियम आधारित कैलकुलेशन का सेट है जिसे एल्गोरिदम कहा जाता है। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड एल्गोरिदम, ठीक है, जो संदेशों को उन तरीकों से बदलने के लिए है जो कठिन है, ठीक है, मतलब इजी फॉर्म में बनाने के लिए होता है स्टेप बाय स्टेप। इन निर्धारक एल्गोरिदम का उपयोग क्रिप्टोग्राफिक की जनरेशन, डिजिटल हस्ताक्षर, ठीक है, डेटा गोपनीयता, इन सब में किया जाता है, वेरिफिकेशन वगैरह में रहता है। ठीक है, अब जिसकी बात कर रहे थे ये लोग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम की, तो वो क्या होता है समझिए। यहाँ पे क्रिप्टो सिस्टम इज यूज अ सेट ऑफ प्रोसीजर नोन एज क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम, ठीक है, सेट ऑफ प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं, मतलब कैसे हम लोग उसको भेजना है, कैसे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जो भी हम लोग को स्टेप्स लेने में क्या होते हैं आप लोग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम, और इसी को हम लोग बोलते हैं सिफर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिफर भी बोलते हैं, एक जो हम लोग इसमें यूज करते हैं, टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेज टू सिक्योर कम्युनिकेशन अमंग कंप्यूटर सिस्टम। सीधी सी बात है, इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करना है, तो इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, मान के चलिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करना है, चलिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये आपकी कोई फाइल है, ठीक है, इस फाइल को हमें क्या करना है, यहाँ पर सेंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इस फाइल में जो भी इसमें डेटा होगा, इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करके भेजेंगे। ठीक है, तो जब ये यहाँ से जाएगी तो यहाँ तक पहुंचने में सब क्या लगा हुआ है, प्रोटेक्शन लगा हुआ है, इस पूरे में क्या रहेगा आपका, प्रोटेक्शन लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो प्रोटेक्शन है, जो डेटा है, क्या होता है आपका, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम के द्वारा सिक्योर है, जिसको हम लोग सिफर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग इसके अंदर इन्फॉर्मेशन लगाए, तो हमने जो स्टेप्स लिए वो क्या रहते हैं, सिफर हमारे कहलाते हैं। जैसे क्या लगा, सिफर सूट यूज एन एल्गोरिदम फॉर एनक्रिप्शन एंड अदर एल्गोरिदम फॉर मैसेज ऑथेंटिकेशन। देखिए, दो तरह की होती है, एक होती है इनक्रिप्ट की, दूसरी होती है आपकी डिक्रिप्ट की। इनक्रिप्ट की मतलब होता है कि हम इसको प्रोटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो हमारी तरफ से जो की लगाई जाएगी या जो पासवर्ड लगाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इनक्रिप्शन कहलाएगा। तो दूसरी तरफ से जब उसको क्या हो जाएगा, इसको डिकोड किया जाएगा, तो वो क्या होता है, हमारा डिक्रिप्शन कहलाता है। ओके, दिस प्रोसेस इज एम्बेडेड इन प्रोटोकॉल एंड रिटन इन सॉफ्टवेयर दैट रन्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम इन्वॉल्व द पब्लिक एंड प्राइवेट की। ठीक है, तो दो तरह की होती है, जो हम लोग पब्लिकली शेयर करते हैं, सब मान के चलिए एक टीम है, ठीक है, उस टीम में क्या है, 10-15 लोग हैं, और उस 10-15 लोगों में बहुत सारे लोग हमारे जो हैं, तो जो 10-15 लोग हैं वहां पे, मैंने मान के चलिए कि 15 लोगों की टीम है। ठीक है, तो अगर हम उसमें क्या कर रहे हैं, उस पासवर्ड को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं 15 लोगों में, तो इससे क्या हो जाएगा, जो आपका पासवर्ड 15 लोगों में शेयर हो, तो क्या एक तरह से वो पब्लिक की कहलाएगी। ठीक है, लेकिन मान के चलिए मैंने सिर्फ उसमें टीम के हेड को ही वो शेयर किया हुआ है कि सिर्फ वही उसको ओपन कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे यहाँ पे प्राइवेट की कहलाएगा। ठीक है, तो इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इसके अंतर्गत आपका आता है, तो यहाँ पे लिखा भी यही है। ठीक है, आप लोग हिंदी में पढ़ना चाहें तो आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, हमारा क्रिप्टोग्राफी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। जो क्रिप्टोग्राफी आप लोग, ये दो कैटेगरी में बांटा गया है, पहला होता है सिमेट्रिक, दूसरा होता है असिमेट्रिक। बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो यहाँ क्या लिखा है, एन इनक्रिप्शन सिस्टम इज इन विच द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ अ मैसेज शेयर अ सिंगल। सिमेट्रिक की में क्या होता है, एन इनक्रिप्शन सिस्टम इन विच द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ अ मैसेज शेयर अ सिंगल कॉमन की दैट इज यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। जैसे लिखा हुआ है, एक इनक्रिप्शन प्रणाली जिसमें संदेश का प्रेषक या रिसीवर का एक सिंगल सामान्य को साझा करती है, जो संदेश को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के उपयोग में किया जाता है। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर सिमेट्रिक सिस्टम इज DES। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है, जिसमें क्या होता है आप लोगों का, सेंडर और रिसीवर एक ही सिंगल की को शेयर करते हैं, जो कि यूज की जाती है इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट में। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि 12345 जो मैंने पासवर्ड लगाया PDF पे, वही पासवर्ड का आप लोग यूज करोगे उस PDF को ओपन करने में। ठीक है, तो एक इसके अंतर्गत आता आपका सिमेट्रिक की, क्रिप्टोग्राफिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, हमारा सिमेट्रिक की एल्गोरिदम आर यूज्ड फॉर, ठीक है, किस लिए यूज होते हैं, प्रोवाइडिंग डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी बाय यूजिंग द सेम की एंड फॉर द इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग। ठीक है, क्या डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए आपको क्या पता है, हमें दोनों तरह की मिल रही है, जिसको हम लोग इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट की बोलते हैं। प्रोवाइड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड MACS बोलते हैं फॉर सोर्स एंड इंटीग्रिटी ऑथेंटिकेशन, द की इज यूज टू क्रिएट अ मैक एंड टू वैलिडेट इट। ठीक है, वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे, इस्टेब्लिश की ड्यूरिंग द की इस्टेब्लिश प्रोसेस में। ठीक है, तो की को इस्टेब्लिश करना, जनरेटिंग रैंडम नंबर। ठीक है, एक होता है जैसे कि आप लोग बात कर सकते हैं, इसमें हम लोग OTP का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जनरेटिंग रैंडम नंबर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है असिमेट्रिक की इनक्रिप्शन। तो असिमेट्रिक की इनक्रिप्शन की बात करते हैं, तो इसमें लिखा है
द इंक्रिप्शन प्रोसेस वेयर डिफरेंट कीज, मतलब कि पब्लिक एंड प्राइवेट आर यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द इन्फॉर्मेशन। जहां पे दो तरह की हमारी यूज होने वाली है, पब्लिक की भी हमारी यूज होने वाली है और प्राइवेट की भी हमारी यूज होने वाली है, ठीक है। तो वहां पे इसका हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या था आपका सिमेट्रिक में सिर्फ आपकी एक ही की रहेगी जो कि कॉमन की रहेगी, और यहाँ पे क्या होती है आपकी पब्लिक और प्राइवेट की दोनों रहेंगी। कीज आर डिफरेंट बट मैथमेटिकली रिलेटेड सच इज रिट्रीविंग द प्लेन टेक्स्ट बाय डिक्रिप्टिंग सिफर टेक्स्ट इज फीजिबल, ठीक है। देखिए क्या होता है, सिफर टेक्स्ट मतलब होता है कोडेड टेक्स्ट, ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें द पब्लिक की इज नोन एज टू ऑल द प्राइवेट की इज कंट्रोल सोलली बाय द ओनर दैट की पेयर, द प्राइवेट की कैन नॉट बी मैथमेटिकली कैलकुलेटेड थ्रू द यूज ऑफ द पब्लिक की इवन, ठीक है। तो ये सब थोड़ी मोटी थ्योरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे क्या क्या होता है इसमें, हमारे कंप्यूटिंग डिजिटल सिग्नेचर का एग्जाम्पल है, एस्टेब्लिशिंग क्रिप्टोग्राफिक की मटेरियल, ये भी आपका रहेगा इसमें। दूसरा यहाँ पे होता है हमारा आइडेंटिफाई मैनेजमेंट, तो ये सब आपके इसके अंदर आते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारा इसमें एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर न्यू ट्रेंड्स, ठीक है, जो कि मतलब रियल टाइम में यूज हो रहा है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे लिखा है एआई एमएल के लिए आईओटी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है, तो इनके लिए जो हमारा आईओटी में क्या है इसके बारे में आप लोग उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है द टर्म एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमएल मतलब मशीन लर्निंग, ठीक है। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और थ्योरेटिकल वाले सब्जेक्ट्स या थ्योरेटिकल वाले कभी भी कोई टॉपिक चलता है तो उस टॉपिक को बिल्कुल भी आप लोग स्किप करके मत देखिए, क्योंकि क्या होता है एक हमारी जो लैब में चलता है ना, नहीं तो फिर क्या कर सकते करोगे आप लोग, उसकी आपकी लैब बिगड़ जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसलिए आपको बहुत एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ और डिटेल में आप लोग को एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग इसको समझ सके आसानी से, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है, द टर्म एआई एंड द एमएल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रोसेस इंटेलिजेंस। देखिए एआई का मतलब ही क्या होता है, एक तरह जैसे कि मैं आपको और इजी लैंग्वेज में समझाऊं, अगर मैं इसको तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा इस लैंग्वेज को, एआई को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मशीन जैसा दिखने वाला, ठीक है, जो कि मतलब काम क्या है, काम करेगा बिल्कुल ह्यूमन की तरह, ठीक है, लेकिन वो क्या काम कैसे करेगा ह्यूमन की तरह, एक मशीन है लेकिन वो काम किसकी तरह कर रही है, ह्यूमन की तरह करे, तो मशीन की तरह जो भी एक इंसान की तरह काम करने वाली एक मशीन, आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंसान की तरह काम करने वाली मशीन हमारी क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है, ठीक है। द टर्म एआई एंड द एमएल मशीन लर्निंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रोसेस इंटेलिजेंस, ठीक है। दीज इंटेलिजेंस अलाउ देम टू एनालाइज डेटा एंड मेक डिसीजन सिमिलर टू हाउ ह्यूमन ब्रेन डज द सेम, ठीक है, वही वाली बात आ रही है। आर्टिफिशियल मतलब मानव जैसा, लेकिन मानव नहीं, मनुष्य नहीं, लेकिन मनुष्य जैसा, हम लोगों जैसा लेकिन मनुष्य नहीं, जिसका काम बिल्कुल हम लोगों जैसा काम करे वो क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है, ठीक है। मनुष्य जैसा पर मनुष्य नहीं लेकिन उसी जैसा काम करने वाला, ठीक है। जैसे ही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रोबोट, ठीक है ना, हालांकि इंसान नहीं होता लेकिन एक इंसान की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब ही क्या होता है, उस जैसी दिखना, जैसे हम बोलते हैं ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मतलब कि अगर हम देखा जाए गोल्डन, जैसे सोना होता है तो सोना का क्या होता है, अगर एक होता है सोना प्योर सोना, दूसरा होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो क्या होता है सोने जैसी दिखने वाली ज्वेलरी, वैसे ही होता है मनुष्य जैसे दिखने वाला एक मशीन, ठीक है। तो वो आपकी क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। यहां लिखा है सिंस द एसेंस ऑफ द आईओटी डिवाइसेस इज गैदर डेटा एंड मेक यूज ऑफ इट प्लेसिंग डेटा ऑब्टेन बाय द फिजिकल डिवाइसेस थ्रू द मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलाउज टू एक्सपेंड अपॉन दोज प्रोसेसेस द इंटरनेट ऑफ इंटेलिजेंस uses AI to bring more value to the IoT domain by better interpreting data obtaining from the connected devices. देखिए जो भी आप लोग का रहेगा क्या होगा, देखो मशीन का काम है तो मशीन के अंदर क्या होता है, डेटा तो AI हो या रोबोट हो सबके अंदर क्या होता है, डेटा तो कलेक्ट होता ही है, तो उस डेटा को कलेक्ट करना क्योंकि उसका काम ही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। देखो एक इंसान है, जैसे एक इंसान सोचता है उसी तरह से क्या है मशीन के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है, जिससे कि बाद में हम क्या करें उस स्टोर डेटा को क्या कर सकते हैं, हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट The devices connected IoT network are linked by a sensor actuator wrapped with the software and hardware to provide the human with logic input. ठीक है, देखिए मैंने अब जब आपको स्टार्टिंग में IoT स्टार्ट किया तो मैंने पहले बताया, तो IoT जो पूरा होता है वो क्या होता है, हमारा सेंसर एक्चुएटर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो जिन्होंने हमारी प्रीवियस क्लासेस देखी है वो बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा अभी भी बहुत अच्छा मौका है, आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है IoT क्लासेस के नाम से, मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से पूरा IoT पढ़ाया हुआ है, आप लोग देख लीजिए,
लीजिए, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। द फाउंडेशन ऑफ IoT इज मशीन लर्निंग एंड AI बिकॉज इट अलाउ दीज डिवाइसेस टू मेक सेंस एंड डेटा कलेक्ट थ्रू द। देखिए सीधी सी बात होती है कि इनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, हमारा अपने एनवायरमेंट के चारों तरफ का डेटा को कलेक्ट करके उसको यूज करना, ठीक है, वो आपका क्या होता है यहाँ पे हमारा, यही इसका हमारा मेन रोल होता है, ठीक है। व्हेन अ सेट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस कलेक्ट रॉ डेटा एंड कंबाइन इट द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इनेबल विथ मशीन इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज टेक दिस डेटा एंड एनालाइज देम, ठीक है। जब कनेक्टेड डिवाइस का एक सेट रॉ डेटा एकत्रित करता है और इसे संयोजित करता है तो मशीन इंटेलिजेंस क्षमताओं के साथ सक्षम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इस डेटा को लेते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग मशीन का यूज कर ही क्यों रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को डेटा चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद उस डेटा का करना क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखे के और इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा द IoT मेक्स द IoT एप्लीकेशन रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। AI एंड मशीन लर्निंग ब्रिंग मोर डिटेल डेटा इनसाइड द टेबल टू फास्टर पेस, ठीक है। एंटरप्राइजेस आर लुकिंग फॉर फॉरवर्ड टू मेक द IoT टू रीप एंड द फॉलोइंग बेनिफिट, ठीक है। क्या क्या इसके बेनिफिट है आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इम्प्रूविंग एक्यूरेसी रेट, ठीक है, तो एक्यूरेसी में सुधार। इफ यू हैव एवर ट्राई टू एनालाइज डेटा फ्रॉम मल्टीपल सीट्स ऑन योर कंप्यूटर यू मस्ट हैव टू रियलाइज दैट इट टेन डेज जॉब। इसको हिंदी में देखिए आप और आसानी समझ में, यदि आपने कभी भी अपने कंप्यूटर पर कई सीटों का डेटा का विश्लेषण करने की कोशिश किया तो आप महसूस किया होगा कि एक कठिन काम है। मानव मस्तिष्क एक निश्चित तौर पर, देखिए सीधी सी बात है यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर हम लोग जो हम लोगों का मस्तिष्क हम लोगों का क्या है माइंड है वो कैसा होता है, एक कठिन काम है बहुत सारी सीटों को एक साथ करना, लेकिन मानव मस्तिष्क एक निश्चित तौर पर कुछ कार्यों को करने तक सीमित है। जब यह मस्तिष्क थक जाता है तो हम अधिक त्रुटियां करते हैं। देखिए क्या होता है, अगर देखा जाए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और लगातार अगर हम लोग किसी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं सीटू का काम कर रहे हैं तो एक टाइम कैसा होता है हम लोग थकने लगते हैं, और जब हम लोग थकने लगते हैं हमारा मन नहीं करता है तो उस टाइम पे क्या होता है हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में क्या है यहाँ पे बताया गया, उपकरणों के माध्यम से आने जाने वाले IoT में बड़ी मात्रा में डेटा को तोड़ने की शक्ति होती है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि पूरी प्रक्रिया मशीन और सॉफ्टवेयर चले इसलिए इसे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप से किया जाता है, इससे त्रुटियां मुक्त बनाया। जैसे कि अगर यही काम पूरा एक मशीन करे जिसमें हम लोग क्या कर दें पूरा उसको कोडेड कर दे पूरी उसको कोडिंग के द्वारा इस तरह से बनाए तो क्या होगा, मनुष्य के द्वारा तो क्या हो जाएगी गलतियां हो जाएंगी, लेकिन एक मशीन गलती नहीं कर सकती है। तो वो जो भी, और सबसे बड़ी बात क्या, गलतियों से पहले सबसे बड़ा पॉइंट यहां पे ये आता है कि मशीन कभी थकती नहीं है, ठीक है। एक इंसान थक जाएगा लेकिन मशीन थकती नहीं है, इस बारे में यहां पे बात की जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन पेमेंट ATM विड्रॉल एंड ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन आर द प्रोन, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, छोटा मोटा है, थ्योरी वगैरह है, थोड़ी बात आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड मेंटेनेंस, भविष्य बताने और विश्लेषण का रख रखाव। जैसे कि देखा जाए भविष्य बताने वाला विश्लेषण विश्लेषण की एक शाखा को संदर्भित करता है जो मौजूदा डेटा को देखता है और परिणामों के आधार पर भविष्य की संभावित घटनाओं की भविष्यवाणी करता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि हम लोग, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर हम बात करें, हम लोग वेदर की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, तो हम लोग को पहले से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसके द्वारा पता चल जाता है कहाँ मौसम खराब होने वाला है, कहाँ क्या होने वाला है, तो यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये सब क्या होता है IoT के सेंसर के द्वारा ही चेक कर दिया जाता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि IoT और AI भविष्य कहलाने वाले रखरखाव की नींव है। वर्तमान में IoT उपकरणों का उपयोग किसी भी दुर्घटना या चिंताओं की रिपोर्ट मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वचालित तरीके से करने के लिए किया जाता है, जैसे उपकरण विफलता आदि। हाउएवर बाय एडिंग AI दिस मेथड अलाउ मशीन टू परफॉर्म प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है AI जोड़कर यह विधि मशीनों को भविष्यवाणी करने वाले विश्लेषण करने की अनुमति देगा। अर्थ में यहाँ पे लिखा है, अर्थ यह है कि उत्तम अग्रिम में संभावना दुर्घटना, जैसे कि आपको पता है आजकल की कुछ कार्स वगैरह में क्या होते हैं एम्बेडेड सिस्टम वगैरह आते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि आगे क्या कोई खतरा वगैरह है तो वहां पे अलार्म वगैरह से इंडिकेट करता है। लिखा हुआ भी है जैसे कि यहाँ पे शिपिंग कंपनी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, शिपिंग कंपनियां जहाज के किसी भी अचानक डाउन टाइम से बचने के लिए समय समय पर अपने डेटा की जांच और विश्लेषण के लिए भविष्यवाणी करने वाले विश्लेषण का उपयोग करती है समय समय पर नियमित सर्विस के माध्यम से। जैसे कि क्या होता है आजकल हर चीज में क्या लगे रहते हैं सेंसर्स लगे रहते हैं डिवाइसेस लगे रहते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें पता चल जाता है कब हमारी इसको सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो हमें क्या मिलता है इंडिकेशन वगैरह मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन से मतलब किसका है, हम लोग जो क्या कर रहे हैं डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं। जैसे लिखा है प्रत्येक व्यवसाय का मूल उद्देश्य ग्राहक संतुष्टि है। अगर कोई डिवाइस आ भी रहा है कोई डिवाइस वगैरह ला रहा है तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि हमारे जो कस्टमर है वो कितने सेटिस्फाइड हैं।
वर्तमान में अमेजन जैसी कंपनियों ने अपने ग्राहकों की प्राथमिकता के लिए सर्वप्रथम रखकर सबसे पहले ग्राहक केंद्रित कंपनियों का वेज अर्जित किया। हालांकि मानव आधारित ग्राहक अनुभव के आधार पर, जैसे कि अगर हम बात करें तो पहले अगर ऑनलाइन जो जितना भी काम होता था वो कैसे होता था, आपका इंग्लिश में रहता था, ठीक है, एप्स वगैरह सारे किस में होते थे, इंग्लिश में आते थे। लेकिन जब से एआई वगैरह आया तो क्या हो गया, आप अपने हिसाब से जो भी लैंग्वेज करना चाहें उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। और आप लोग ही पता है गूगल का वॉइस असिस्टेंट जो है, हम लोग जो बोलना चाहें जो बोल के भी सारा आंसर ले सकते हैं, तो वो सब किसके अंदर आता है, इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये आप लोग थोड़ी बहुत थ्योरी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, चैट बोट्स वगैरह के बारे में बताया जा रहा है कि हम लोगों को अब कुछ करने की जरूरत नहीं होती, हम लोग बोल के भी सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया गया इंक्रीज्ड ऑपरेशनल इफिशियंसी, प्रेडिक्शन मेड थ्रू एआई आर हाईली यूजफुल इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी फॉर बिजनेस। जैसे लिखा हुआ है एआई के माध्यम से की जाने वाली भविष्यवाणी व्यवसाय की परिचालन क्षमता के मामले में अत्यधिक उपयोगी है। एआई के माध्यम से प्राप्त इन डेप्थ इनसाइट का उपयोग स्क्रेच के माध्यम से व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, परिणाम स्वरूप परिचालन क्षमता लागत में वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये कुछ आप लोगों के पॉइंट्स थे, बाकी विद द एक्यूरेट प्रेडिक्शन यू कैन इनसाइट अवर ओवरटाइम। जैसे क्या होता है, अगर जो भी अगर हम लोग क्या प्रेडिक्शन रहेगा कि हाँ भाई ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए अपना जो भी हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं वो हम लोग अपने लीगल स्टेप्स लेंगे, जिससे कि क्या करें हम लोग जो हमारा लॉस होने वाला है इन फ्यूचर में उससे हम लोग बच सके, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 का था, तो मैंने आपको क्रिप्टोग्राफी और वे भी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वाला टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और नेक्स्ट क्लास में हो सकता है आप लोगों का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ठीक है। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट, और आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर आप लोगों की प्रैक्टिकल की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो प्रैक्टिकल क्लासेस मिस मत करिएगा, अभी 6 बजे अपलोड हो रही है, फिर आप लोगों की M4R5 की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। एमसीक्यूज देखना तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने अभी बताया नहीं, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में देख लीजिए, क्योंकि अभी वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने इस क्लास में नहीं बताया, नहीं तो अभी ये वीडियो और बड़ा हो जाता है, ठीक है। बाकी मैंने प्रीवियस क्लासेस में ही बताया, आप लोग हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि कहां से, सीधी सी बात है, आप लोग प्लेलिस्ट वगैरह चेक करिए, प्लेलिस्ट में आपको हर एक की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, IoT क्लासेस की भी बनी हुई है, पाइथन की भी बनी हुई है, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए। कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें बता सकते हैं, तो अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, लिंक ही नहीं मिल रही, तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसी के साथ साथ प्रैक्टिकल MCQ मटेरियल के लिए भी व्हाट्सएप करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक